हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये काफ़ी लेंदी है, इसलिए इटली के एकीकरण को हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो कि इटली के एकीकरण से पूर्व इटली की स्थिति कैसी थी, कैसे एकीकरण के रास्ते में बाधाएं थीं, कि किस प्रकार मेज़नी और जो अन्य देशभक्त थे उन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई, मेज़नी ने किस प्रकार युवा इटली का निर्माण किया, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि आधुनिक यूरोप का इतिहास राष्ट्र राज्यों के निर्माण का इतिहास है। नेपोलियन के आक्रमणों से इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता की भावना जाग उठी, किंतु 1815 की वियना व्यवस्था से इटली पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य था, जहां सेवाई वंश का शासन था। उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी व वेनेशिया के प्रदेश थे, जिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। परमा, मोडेना, टस्कनी पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य में पोप का स्वतंत्र राज्य था और दक्षिण में नेपल्स और सिसिली के राज्य थे, जहां बोर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। 1815 में इटली की इस दयनीय दशा का वर्णन मेज़नी ने इस प्रकार किया कि हमारा कोई एक झंडा नहीं है, हमारा कोई एक राजनीतिक नाम नहीं है और न ही यूरोपियन राष्ट्रों में हमारा कोई स्थान है। हम 8 राज्यों में विभक्त हैं जो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। 8 राज्यों की भिन्न भिन्न मुद्राएँ हमको एक दूसरे से अलग करके हमें अजनबी बना देती है। इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना अब धीरे धीरे जागृत हो रही थी। वे निरंकुश, स्वेच्छाचारी व प्रतिक्रियावादी शासन को सहन करने को तैयार नहीं थे। इटली के लेखकों, साहित्यकारों व कवियों ने भी उसकी उदार उनकी राष्ट्र भावनाओं को जागृत किया। अतः इटली के देशभक्तों ने अपने देश को स्वतंत्र एवं संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन एकीकरण के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी थीं, अब ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली के एकीकरण में बहुत सी बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं। इटली के उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का प्रबल प्रभुत्व था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक राष्ट्रीयता व उदारवाद का कट्टर शत्रु था। मध्य इटली में पोप का राज्य होने से वह उत्तरी तथा दक्षिणी इटली को दो अलग अलग राज्यों में विभाजित करता था, जो इटली के एकीकरण में बड़ी बाधा थी। मतलब मेटरनिक और पोप के जो राज्य थे वो मुख्य बाधा थे और पोप के राज्य को यूरोप के प्रमुख यूरोपियन राज्यों का समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त इटली के अलग अलग राज्यों की अलग परंपराएँ थीं। प्रांतीयतावाद के कारण फूट फैली हुई थी। विभिन्न राजवंशों में त्याग की भावना नहीं थी। राष्ट्रीय एकता को वो तुच्छ समझते थे। अतः इटली के एकीकरण के प्रश्न पर कुछ लोग इटली में गणतंत्र की स्थापना के समर्थक थे। इन विचारकों में मेज़िनी का नाम प्रमुख है। पोप की अध्यक्षता में इटली में संघीय व्यवस्था के समर्थकों में जियोबर्टी प्रमुख था। कुछ लोग राजतंत्रीय व्यवस्था के समर्थक थे। अतः एकीकरण का समाधान ढूंढना कोई सरल कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी एकीकरण के प्रयास प्रारंभ हो गए थे 19वीं शताब्दी में। उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु इटली में अनेक गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें कार्बोनरी संस्था प्रमुख थी। कार्बोनरी संस्था का प्रमुख केंद्र नेपल्स में था और जिसकी शाखाएँ समस्त इटली में फैली थीं। संस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। कार्बोनरी संस्था के नेतृत्व में 1831 तक इटली का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा।
अब समय समय पर वहाँ पर जो विद्रोह हुए उन पर एक नज़र डालते हैं कि सन 1822-21 में जो विद्रोह हुआ तो स्पेन की क्रांति से प्रेरित होकर कार्बोनरी संस्था के सदस्यों नेताओं ने 1820 में नेपल्स में और 1821 में पिडमोंट में विद्रोह हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया के मेटर्निक ने तुरंत विद्रोहों का दमन कर दोनों राज्यों के राज सिंहासन पर पुनः निरंकुश शासकों को बैठा दिया, परंतु विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। अब इटली के लोग थोड़े जागरूक हो चुके थे और वे मेटर्निक और हम कहें कि ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते थे। सन 1830 के विद्रोह के फलस्वरूप पोप के राज्य परमा और मोडेना में विद्रोह हुआ। इटली के क्रांतिकारियों को फ्रांस से सहायता की आशा थी, किंतु ऑस्ट्रिया की फौजों ने पुनः विद्रोह को कुचल दिया। राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की पुनः पराजय हुई। 1820 व 30 में इटली की एकता स्थापित करने के प्रयत्नों में मिली असफलता से इटली वासियों को यह ज्ञात हो गया कि ऑस्ट्रिया व विदेशी सत्ता के अंत से ही यह संभव होगा। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए केवल कार्बोनरी संस्था पर्याप्त नहीं है। अब इटली के एकीकरण में तीन प्रमुख देशभक्तों की भूमिका रही, उनमें मेजनी, कैबूर और गैरिबाल्डी का नाम प्रमुख है। सबसे पहले यहाँ पर हम मेजनी के बारे में बताएंगे। इसी समय इटली के राजनीतिक रंगमंच पर जूसेप मेजनी के प्रादुर्भाव ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। बचपन से ही देशभक्ति की भावना से प्रेरित मेजनी ने 1820 व 30 के विद्रोह में भाग लिया था। 1831 में उसने फ्रांस के एक नगर में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य या ध्येय युवकों को शिक्षित व अनुशासित कर देश सेवा के लिए तैयार करना था। शीघ्र ही इसने कार्बोनरी संस्था का स्थान ले लिया। मेजनी का कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में दो। मेजनी के उद्देश्य स्पष्ट थे तथा इटली के एकीकरण का चित्र जितना स्पष्ट और निश्चित उनके दिमाग में था उतना किसी अन्य के में नहीं। मेजनी की लेखनी ने इटली की जनता में नवजीवन का संचार कर दिया। हजारों देशभक्त नवयुवक मेजनी के पास एकत्र हो गए और युवा इटली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए इटली में एक सशक्तशाली जनपद का उन्होंने निर्माण किया। अब क्योंकि जनता जो थी वो युवा इटली के और मेजनी के सिद्धांतों से प्रभावित थी, तो आगे क्या स्थिति रही अब उस पर चर्चा करते हैं। उदार राजतंत्रवादी और संघवादी युवा इटली के अतिरिक्त कुछ अन्य देशभक्त उदारवादी राजतंत्र के माध्यम से इटली को स्वतंत्र करना चाहते थे। वे पिडमोंट सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली को विरोधी सत्ता से और विदेशी सत्ता, वो जो ऑस्ट्रिया की सत्ता है या अन्य जो लोग उस पर नज़र गाड़े हुए थे पोप के राज, उनसे मुक्त कराना चाहते थे। पिडमोंट सार्डिनिया के प्रतिक्रियावादी शासक की नीतियों में चार्ल्स एल्बर्ट के समय परिवर्तन आया। इटली के राष्ट्रवादियों को ये विश्वास था कि इटली की स्वाधीनता का नेतृत्व पिडमोंट का शासन ही करेगा। वे आर्थिक कार्यक्रम व सार्वजनिक शिक्षा में सुधार के माध्यम से इटली का एकीकरण करना चाहते थे। कुछ देशभक्त पोप के नेतृत्व में विश्वास करते थे। 1846 में पायस नवम के उदार और दयालु प्रवृत्ति के माध्यम से इटली में प्रशासनिक सुधारों की बात कही जाने लगी और पोप की अध्यक्षता में इटली के विभिन्न राज्यों का एक संघ भी बनाना चाहते थे। सन 1848 का विद्रोह और युद्ध। 1848 में फ्रांस में पुनः क्रांति के परिणाम स्वरूप जनवरी 1848 में नेपल्स व सिसिली जो कि इटली के राज्य थे के सुधारवादियों ने विद्रोह से विवश हो राजा फर्डिनेंड द्वितीय को उदारवादी संविधान स्वीकार करना पड़ा। मार्च 1848 में
पिडमोंट, टस्कनी और पोप के राज्यों को भी संविधान प्रदान करना पड़ा। अब ऑस्ट्रिया के अधीन लोम्बार्डी और वेनेशिया को छोड़कर लगभग सारे इटली में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। लेकिन अभी स्थिति शांत नहीं थी और युवाओं के या ये जो देशभक्त थे इनके एकीकरण के प्रयास जारी थे। मार्च 1848 में वियना में क्रांति हुई, परिणाम स्वरूप मेटर्निक को वियना छोड़कर इंग्लैंड भाग जाना पड़ा, जिससे इटली के राज्यों जैसे मिलान, वेनिस, पिडमोंट, सार्डिनिया के शासकों में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की मांग बढ़ने लगी। 23 मार्च को सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने इटली वासियों की ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स व पोप के राज्यों के शासकों ने सार्डिनिया की ओर से युद्ध में भाग लिया। जगह जगह ऑस्ट्रिया की हार होने लगी। सारा इटली पिडमोंट के शासक के झंडे के नीचे आ गया, लेकिन कुछ ही समय में पोप सबसे पहले पीछे हट गया, जिसके कारण चार्ल्स एल्बर्ट अकेला रह गया और वो सफल नहीं हो सका। जुलाई 1848 में उसे ऑस्ट्रिया से समझौता करना पड़ा और पिडमोंट को छोड़कर सभी स्थानों पर पुनः निरंकुश शासन स्थापित हो गया। अब उग्र गणतंत्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। मेजनी ने घोषणा की कि राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया है, अब जनता का संघर्ष प्रारंभ होना चाहिए। मेजनी के नेतृत्व में 1849 में रोम में गणतंत्र स्थापित हुआ। तत्पश्चात फ्लोरेंस तथा टस्कनी में भी गणतंत्र स्थापित हुए। राजतंत्रवादियों के दबाव पर चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के साथ हुए समझौते को खत्म कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किंतु 23 मार्च 1849 को नोवारा नामक स्थान पर पराजित हो उन्होंने अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। विक्टर इमैनुअल को विवश होकर ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी। नेपल्स व सिसिली में फर्डिनेंड, टस्कनी में लियोपार्ड वापस आ गए। वेनिस में ऑस्ट्रिया का अधिकार और रोम में पोप को पुनः गद्दी पर बैठा दिया गया। मेजनी स्विट्जरलैंड और गैरिबाल्डी पिडमोंट भाग गए। ऑस्ट्रिया ने परमा, मोडेना, टस्कनी में संविधान रद्द कर शासकों को सिंहासन पर बैठा दिया। पिडमोंट व रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली पर ऑस्ट्रिया का पुनः प्रभुत्व हो गया। चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया का विरोध कर उदार संविधान प्रदान किया और देशभक्तों को विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास हो गया। इस प्रकार पिडमोंट, सार्डिनिया का राज्य इटली के एकीकरण से संबंधित गतिविधियों का केंद्र बन गया। अब इटली के एकीकरण का फर्स्ट पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम विक्टर इमैनुअल और विक्टर इमैनुअल द्वितीय और कैबूर का इटली के एकीकरण में योगदान को पढ़ेंगे। थैंक यू।